हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैटिक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैटिक का प्राइस इंक्रीज उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है जितनी तेज़ी से उम्मीदें लगाई जा रही थी। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि मैटिक का प्राइस आखिर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, और अगर होगा तो कब तक होगा, और क्या क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, अगर डिप ले सकता है तो कहाँ तक ले सकता है, वही सब बातें करेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन लिंक ज़्यादातर टेलीग्राम का काम नहीं करता सही से। तो आपको सिंपली @CryptoBarByKapil हमारा यूजर नेम सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर, और चैनल ही आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर से ज्वाइन करें। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। ये है मैटिक का चार्ट जो कि मैंने वजीर एक्स पर लिया हुआ है। यहाँ पे INR में आपको थोड़ा सा सही से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैटिक अपनी जो इसकी सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी उसको ब्रेक करके नीचे तक गया था, और लगभग 48-49 रुपीज़ को ये टच करके नीचे से आया है। और जिन लोगों ने यहाँ पर इसको बाय किया होगा इस जोन में, क्योंकि मैंने इसके बाइंग टारगेट दिए थे, तो काफ़ी लोगों ने इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग की होगी और अभी बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहे होंगे। और कुछ लोग यहाँ पर इसमें वंचित भी रह गए, इसको बाय करने से चूक भी गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि थोड़ा और नीचे जाए तो हम खरीदें। तो देखिए, अगर आप लोग अभी भी मैटिक में डिप की वेट कर रहे हैं तो बहुत गलत आप सोच रहे हैं, क्योंकि प्राइस कभी भी ऊपर की तरफ स्पाइक ले सकता है, और एक अच्छा खासा स्पाइक ले सकता है मैटिक का। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक भी मैटिक को बाय नहीं किया है, या कुछ परसेंट आपकी बाइंग बची हुई है, तो आप प्लीज़ उसको इसी प्राइस पर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। मौका क्यों नहीं मिलने वाला है उसका भी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए हम चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के पॉलीगॉन मैटिक के पेज पर। यहाँ पर आप अगर देखेंगे इसकी लास्ट 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो 25% के करीब ये अप चल रहा है ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम जब इंक्रीज़ होती है तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होता है, लेकिन मैटिक का अभी तक नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि मैटिक के प्राइस में कभी भी एक अच्छा खासा उछाल हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये मौका हम प्लीज़ अपने हाथ से ना गंवाएं। अगर आप लोग मैटिक में इन्वेस्टमेंट करना सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप करंट प्राइस पर इसको बाय कर लीजिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि मैटिक को अगर आप हल्के में ले रहे हैं, मैटिक अगर खामोश है, तो आप बिल्कुल भी उसे हल्के में मत लें, क्योंकि मैटिक जब जब खामोश हुआ है, जब जब ये साइलेंट हुआ है, तब तब इसने एक बहुत ही अच्छी जंप लगाई है। इसका मैं एक उदाहरण आपको दिखाता हूँ। अभी लास्ट टाइम जब ये लगभग 25 और 35 के बीच घूम रहा था, तो बहुत से लोगों ने इसको इग्नोर किया, और रिजल्ट ये आया कि प्राइस एकदम सीधा 220 रुपये। देखिए, यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से ये इसी प्राइस रेंज में घूमा। आप देखेंगे कि लगभग 38 का इसने यहाँ पर टॉप लगाया था, और उसके बाद ये नीचे आया, 25-20 तक भी गया, 23-22, और काफ़ी लंबे समय तक ये लगभग 2-3 महीने तक इसी प्राइस रेंज में घूमता रहा, और बहुत से लोगों ने इससे उम्मीदें छोड़ दी थी, एग्जिट कर चुके थे, या बहुत से लोगों ने इसमें और ज़्यादा बाइंग की और ज़्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ाई। तो उस दौरान मैंने मैटिक की कॉल दी थी टेलीग्राम पर, जो कि मेरी सुपर डुपर हिट कॉल थी, और उस कॉल ने सीधा वो कॉल लेके गई कहाँ तक, 220 तक। आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, 220 रुपये तक वो कॉल गई थी। शायद उसी कॉल की वजह से मैं थोड़ा सा पॉपुलर हो गया था। तो मैं अभी भी आपको यही कहूँगा कि मैटिक को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आप लोग मैटिक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा। आप लोग इस मौके को प्लीज़ ना गंवाएं। आप लोग बिना सोचे समझे मैटिक को करंट प्राइस पर बाय कर लीजिए, और थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। इस महीने जितने भी अल्टकॉइंस हैं सभी में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इथेरियम ऑलरेडी बहुत ऊपर की तरफ है, बिटकॉइन ऑलरेडी अपने जितने भी रेजिस्टेंस है सबको ब्रेक करता जा रहा है, और उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ ही दिन में बिटकॉइन एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ राइज लगा सकता है, स्पाइक लगा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी मार्केट में ये ना समझे कि दोबारा से डिप आएगा या दोबारा से मार्केट बेरिश मोड में जाएगी, ऐसे संकेत दूर दूर तक अभी तक नहीं मिल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप लोग अगर डिप का वेट कर रहे हैं कॉइन्स की, तो प्लीज़ ना करें। जो भी करंट प्राइस पर आपको मिल रहा है उसको बाय कर लीजिए, और थोड़ी सी होल्डिंग दीजिए, आपको जल्दी ही बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का, आगे वीडियो बनाने का। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।